10 years ahead, I would feel that the time has come that really as soon as even we can now sequence the whole genome of the baby from the mother's blood, like फीटस वाली बेबी जो पेट में होता है उसके थोड़े से सेल्स के टुकड़े माँ के ब्लड में जाते रहते हैं, उसमें से डीएनए निकलता है, तो उसमें भी पूरा सीक्वेंस कर सकते हैं। तो नवजात शिशु का अगर क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, इंडस्ट्री बहुत जल्दी, मतलब जो साइंस अभी इतने तेजी से गाइडलाइंस बनने के पहले ही वो पुश करती है और डॉक्टर्स के पास जाएगी, और डॉक्टर्स जेनेटिसिस नहीं हो, इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हो, तो पेशेंट्स को लगता है, डॉक्टर बता रहे हैं 20,000 की टेस्ट है, माँ के ब्लड में से हम बता देंगे बच्चे को डाउन सिंड्रोम, कोई भी सिंड्रोम है कि नहीं, और लोग करते हैं, और फिर उनकी जो है उसमें पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत कम है, फिर सबको टेंशन आ जाता है, अरे ऐसा होगा क्या, वैसा होगा। एंड कुछ बीमारी ऐसी होती है कि डीएनए का फर्क होने के बावजूद बच्चे को कुछ भी सिम्टम नहीं हो, या व्यक्ति को हमारे जैसे टेस्ट करो और कुछ जेनेटिक वेरिएशन मिले, और आश्चर्य की बात होगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये होगा तो होगा ही। सिकल सेल डिसीज़ का है कि ये न्यूक्लियोटाइड बदल गया तो उसको सिकल सेल डिसीज़ होना ही होना है, लेकिन कई बीमारियों में इतना ज़्यादा नहीं होता है, सिम्टम्स माइल्ड हो सकते हैं, ना हो सकते हैं। तो अगर टेस्ट कर लिया तो अभी ये बहुत जरूर हो जाएगा कि सबका, बहुत बच्चों का जन्म होते बराबर टेस्ट करने लगेंगे। और ये जो है, और उसमें मेन है कि डायग्नोसिस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 6,000 जेनेटिक बीमारियां हैं। कई बार तो हम खुद ने, हमने एक एक पेशेंट के लिए नया जीन ढूंढ निकाला है, तो डायग्नोसिस बहुत जल्दी हो, और फिर उनके लिए दवाइयाँ नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल है, या कॉस्टली है या अवेलेबल ही नहीं है, इसकी तफावत से जो है वो फैमिलीज बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। उनको लगता है कि सब जितना पता कर सकते पता करके बताओ कि हमारे बच्चे में कोई भी खराबी नहीं है, और वो इतना ज़्यादा उनको रिएश्योरेंस चाहिए होता है, फिर पक्का ठीक है ना, पक्का ठीक है ना, तो मुझे बताना पड़ता है। आप रास्ते पर जाते हैं, बाएं साइड से चलते हैं, गारंटी नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, वैसे ही हम बता रहे हैं जितना देख सकते हैं उतना देखा है, लेकिन ये जो ड्राइव बढ़ रही है बिकॉज ऑफ अवेयरनेस कि हम सब कुछ पता कर सकते हैं, ऐसा उनको पेशेंट्स को भी लगने लगा है, तो ये इसी वजह से जानकारी, अवेयरनेस, और वो जो है मेडिकल डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियन और गैस्ट्रोटिशियंस, उनमें जेनेटिक्स का नॉलेज बहुत चाहिए, क्योंकि फाइनली वो डॉक पेशेंट को बताते हैं, तो वो पेशेंट को सही जानकारी बताए, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने आके उनको जो समझाया है वो ना बताए जो सही, ये सभी चीज़ों में ये थोड़ा सा काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी सरोगेसी सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक होगी, मतलब जैसे कि किसी को यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है और उसको चाहिए दूसरी मदर, या सीवियर हार्ट डिफेक्ट है और इस वजह से मदर माँ नहीं बन सकती, तो उसका ओवम और हस्बैंड का स्पर्म लेके दूसरे किसी के यूट्रस में डालते हैं, तो ये जो सरोगेसी है, तो पहले तो प्रोफेशनल हो गया था कि गरीब औरतों को लेके जगह जगह पे, तो उसको मेन कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट आया हुआ है। तो सरोगेसी में अभी, अगर जैसे किसी ने, पहले होता था ना कि ननद को बच्चा नहीं हो रहा है तो भाभी ने अपना बच्चा गोद दे दिया, उस तरह से कोई अपने लेवल पे दोस्त, रिलेटिव्स या अननोन पर्सन, जैसे अभी ब्लड डोनेट करते हैं, बोन मैरो डोनेट, उस तरह से कोई अपने यूट्रस सरोगेसी में दे सकता है, लेकिन वो मतलब उसके बदले में पैसे नहीं ले सकता, तो जो बाहर के विदेश के लोग आके इंडिया में सरोगेट मदर्स को रेंट पे लेते थे सॉर्ट ऑफ, वो सब ये कंट्रोल करने के लिए मेन ये सरोगेसी का एक्ट है। क्लोनिंग इज वर्ड यूज, बाकी किसी सेल के भी आप क्लोन बनाते हैं, रिसर्च में वो होता है, लेकिन मेरी अभी तक जो है हमको एथिकल जो है एथिक्स गाइडलाइन से ह्यूमन क्लोनिंग अभी नहीं पॉसिबल है, और अभी बाकी भी कंट्रीज में, लेकिन इसीलिए जो थोड़ा सा डर पैदा हो रहा है कि टेक्निकली सब फिजिबल है, टेक्निकली बहुत ज़्यादा फिजिबल कई चीज़ें हो गई है, तो आप जो कहते हैं कि बच्चे में हमको ये नहीं चाहिए, बच्चे में वो नहीं चाहिए, तो वो सब सच्ची है। प्री इम्प्लांटेशन डायग्नोसिस के बारे में अगर सुना हो तो, जिनको जैसे है कि थैलेसेमिया की बीमारी नहीं चाहिए, तो वो IVF कराएंगे और वो जो 4-5 एम्ब्रियो बनेंगे उसमें थैलेसेमिया है कि नहीं देखो, जिसमें नहीं है उसी को पेट में डालो। अब उसमें जो है कि सक्सेस रेट उसमें कम हो जाता है, क्योंकि IVF का ही सक्सेस रेट 30-40% है,
लेकिन दूसरी बात और एक है कि IVF जब आप करते हैं उससे जो है बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स होने की संभावना जो नॉर्मल पॉपुलेशन में 100 में 3 होती है, मतलब ये किसी को पता नहीं होगा, सबको लगता है पेट में बच्चा है तो नॉर्मली गारंटी के साथ होना है, लेकिन परिवार में सब स्वस्थ हो तब भी 3% बच्चों में बर्थ डिफेक्ट होता है। तो IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी से ये रिस्क बढ़ जाती है, डबल होती है, प्रीमैच्योरिटी की बढ़ती है, ट्विनिंग की बढ़ती है। तो नेचुरली आप एक चीज को ठीक करने जा रहे हैं, साथ में आप दूसरी रिस्क ले रहे हैं, वो कई बार पेशेंट को पता नहीं होता या सही तरीके से बताया नहीं जाता है।